बच्चों आज आप हिंदी में पाठ 15 मेहनत का फल पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ पढ़ना। हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे भी सही। तो हमारा पाठ है 15। पाठ का नाम है मेहनत का फल। एक गांव में टीका नाम का मजदूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करता था। तो एक गांव में टीका नाम का एक मजदूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। गुजर बसर करना मतलब अपना जीवन चलाना। एक बार अपने गांव में काम खत्म करके वह बहुत सारा धन कमाने के उद्देश्य से पास ही के एक गांव में मजदूरी करने गया। उसने सोचा कि मेरे पास धन की थोड़ी कमी है, तो मैं और अधिक मेहनत करता हूँ, पास के गांव में जाता हूँ और अधिक मेहनत करूँगा तो मुझे और अधिक धन मिलेगा। तो वह धन कमाने के उद्देश्य से पास ही के गाँव में चला गया और वहाँ पर मजदूरी करने लगा। टीका बहुत मेहनती मजदूर था। उसने उस साल जी तोड़ मेहनत की और खूब धन कमाकर अपने गांव लौटा। उसने उस साल क्या किया, खूब मेहनत की और खूब सारा धन कमा करके वह गांव वापस लौटा। गांव में उसकी बीवी तारा अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। गांव में उसकी पत्नी तारा अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। टीका जब इतना सारा धन लेकर गाँव पहुँचा तो वह फूला नहीं समा रहा था। तो टीका इतना सारा धन लेकर के अपने गांव लौटा तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसने गांव जाते ही अपने बीवी बच्चों को बहुत से कपड़े गहने दिलवाए। उसने गांव पहुंचते ही अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को गहने और कपड़े दिलवाए। दूसरे ही दिन अपनी ससुराल जाने की बात करने लगा और दूसरे दिन अपनी पत्नी से ससुराल जाने की बात करने लगा। पत्नी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी पत्नी यह बात सुनकर के बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। टीका अपनी ससुराल चला गया। उसकी पत्नी ने खुशी खुशी हाँ कर दी क्योंकि वो बहुत खुश हुई यह बात सुनकर के। टीका अपनी ससुराल चला गया। सास ससुर के लिए वह कुछ सामान भी साथ ले गया। अब वह अपने सास ससुर के लिए कुछ सामान भी साथ ले गया। ससुराल पहुंचकर टीका फूला ना समाया। अब ससुराल पहुंच करके उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा क्योंकि उसका स्वागत बड़े ही ज़ोरदार ढंग से हुआ। अब उसके ससुराल में उसका स्वागत बड़े ही ज़ोरदार ढंग से हुआ। उसके खाने पीने और आराम के लिए अच्छा प्रबंध किया गया। उसके ससुराल में उसके खाने पीने और आराम के लिए अच्छा प्रबंध किया गया। पकवान खाकर टीका घोड़े बेच करके सो गया। अब अच्छे पकवान खा करके टीका घोड़े बेच करके निश्चिंत होकर के सो गया। शाम को उठा तो सास ने उसे बड़े प्रेम से नाश्ता करवाया। अब वह शाम को उठा तो उसकी सास ने उसको बहुत प्यार से नाश्ता करवाया। शाम को गांव में घूमने के बाद रात का खाना खाकर टीका फिर से सो गया। अब शाम को वो गांव में घूम करके आ गया और रात का खाना खा करके सो गया। बस इसी तरह दिन बीतते गए। अब उसका क्या हुआ, एक ही काम होने लगा रोज का कि सुबह खाना खाता सो जाता, रात को खाना खाता सो जाता। मेहनत करना उसने बिल्कुल छोड़ दिया और ऐसे ही दिन बीतते चले गए। टीका के जीवन से मेहनत का नाम ऐसे हवा हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। अब टीका के जीवन में मेहनत का नाम बिल्कुल हट गया जैसे कि गधे के सिर से सींग का हटना। ऐसे उसने क्या करा, वो अपना जीवन कैसे बिताने लगा, बस खाता सोता बिल्कुल मेहनत करना उसने बंद कर दिया। बस खाना ही और सोना ही उसके जीवन का काम बन गया। उसके जीवन का एक ही काम बन गया, बस खाना और सोना। धीरे धीरे ससुराल के लोग भी उससे उकता गए। उकता गए का मतलब यहाँ पर यह है ऊब गए। धीरे धीरे ससुराल के लोग भी उससे उकता गए अर्थात उससे ऊब गए। अब उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया। अब क्या हुआ ससुराल में, उसको अच्छा खाना मिलना बंद हो गया, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसे तो आराम करने की आदत पड़ गई थी। उसे तो क्या हो गया था, आराम करने की आदत पड़ गई थी, उसने मेहनत करना तो छोड़ ही दिया था। वह अपने घर और पत्नी बच्चों को भी भूल चुका था। अब आराम के चक्कर में वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों व अपने घर को भी भूल चुका था। एक दिन उसकी सास ने कहा कि अब तुम्हें मेरी बेटी और नातिन को एक बार देखकर आना चाहिए। अब उसकी सास ने उसको सलाह दी कि तुम्हें एक बार अपने घर जाना चाहिए और अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलकर के आना चाहिए। सास की बात को वह हाँ हूँ करके टाल गया।
उसने क्या करा, अपनी सास की बात को हाँ हूँ करके टाल दिया। अब क्या होता है आगे कहानी में, एक बार गांव में लुटेरे आए। एक बार गांव में क्या हो गया, लुटेरे आ गए। रात में सब सोए थे, टीका भी खर्राटे ले रहा था। अब रात में क्या हुआ, सब लोग सो रहे थे और टीका भी निश्चिंत होकर के सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। तभी टीका के ससुर की नींद खुल गई। लुटेरों को देखकर वह चीखने लगे, सब लोग उठ गए। लुटेरों के सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी माल हो उसे निकालो। अब क्या हुआ, टीका के जो ससुर जी थे वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, जिससे सब लोग उठ गए। और जो लुटेरों के सरदार थे अर्थात जो चोर थे, लुटेरों का मतलब यहाँ चोरों से है, तो जो लुटेरे थे उनके सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी माल हो उसे निकालो। टीका के ससुर ने हाथ जोड़ करके कहा, हमारे पास जो भी है वह सब हमारे ही काम में आए, इतना ही है। अब उसके ससुर ने कहा कि हमारे पास जो भी है वह सब हमारी ही काम आए, हमारे पास सिर्फ इतना ही है, उससे हमारा पेट भर जाए, इतना ही है, उससे ज़्यादा भी नहीं है। अब उसने कहा कि हमारे पास इतना ही है जिससे कि हमारा पेट भर जाए, उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। टीका के ससुर को उन लुटेरों का उसूल मालूम था कि वे पूछ पूछ कर अतिरिक्त सामान या धन ले जाते हैं। अब टीका के ससुर को लुटेरों का उद्देश्य पता था कि ये पूछ पूछ करके सारा धन लूट करके ले जाते हैं, जो चीज़ काम की नहीं उसे ले जाना उनका उसूल नहीं। लुटेरों ने कहा, चलो फिर बताओ तुम्हारे पास कौन सी चीज़ काम की नहीं। अब लुटेरों ने कहा टीका के ससुर जी से कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे काम की नहीं, उसे ही हम ले जाते हैं। अब लुटेरों ने कहा, जो चीज़ तुम्हारे पास काम की नहीं है ना, उसे ही हमें दे दो, हम उसे ले जाएंगे। टीका के ससुर बहुत देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ये हमारा दामाद टीका किसी काम का नहीं है। तो टीका के ससुर ने लुटेरे से कहा कि ये हमारा दामाद है ना टीका, ये किसी भी काम का नहीं है, बस ये खाता और सोता है, कुछ काम नहीं करता है, इसका एक ही काम है, ये खाता है सोता है, कुछ काम नहीं करता है, अपने घर में भी इसे कुछ काम नहीं है, इसको अपने घर में भी कुछ काम नहीं है, तो आज इसे ही ले जाओ। तो उसके ससुर ने कहा कि ये जो टीका है ना, ये खाता है सोता है, इसको कुछ काम नहीं है घर में, ना तो अपने घर में है, ना यहाँ मेरे पास रह रहा है, तो मेरे पास कुछ काम करता है, आप तो इसे ही ले जाओ। ससुर की बात सुनकर टीका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई मतलब हैरान हो गया वो ये बात सुनकर के। बात तो सच्ची थी, वहाँ तो वह किसी काम का नहीं। अब वो वहाँ तो क्या करता था, कुछ काम का नहीं था, वहाँ तो खाना खाता था सोता था, खाना खाता था सोता था, बस एक ही काम करता था। अब क्या करें, अब टीका ने सोचा कि अब क्या करूं। वह अलग कोठरी में जाकर हाथ जोड़कर ससुर जी से मिन्नतें करने लगा। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद ससुर जी मान गए। उन्होंने लुटेरों से कहा, मैं उसूल के मुताबिक टीका तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, मैं भूल गया था कि सारा दिन जब हम घर के बाहर खेतों में काम करते हैं तब यह हमारे घर की रखवाली करता है, यह तो हमारे काम का आदमी है, इसे मैं तुम्हें कैसे सौंप दूँ। अब टीका ने अपने ससुर से विनती करी हाथ जोड़ करके, तो उसके ससुर ने लुटेरों से कहा कि जब हम खेतों में मजदूरी करते हैं तो ये सारा दिन हमारे घर का ध्यान रखता है, ये तो बहुत काम का है, ये हमारे घर की रखवाली करता है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस प्रकार टीका लुटेरों से बच गया। किसने बचाया उनको, उसको बचाया उसके ससुर ने, ये कह करके कि तो हमारे बहुत काम का व्यक्ति है, ये दिन भर हमारे घर की रखवाली करता है, ये कह करके उसके ससुर ने लुटेरों से उसे बचाया। लेकिन अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने पत्नी व बच्चों के पास गांव जाएगा और फिर से मेहनत से काम करेगा। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इसे वापस से रीड करें एक बार।